हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। उस टाइम पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, न्यू ईयर क्या कुछ लेकर आ रहा है इसके लिए लेकर आई हूँ इस रीडिंग को, यानी कि न्यू ईयर में क्या कुछ एनर्जी रहने वाली है आपके रिलेशन की, आपके रिलेशन में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ लेकर आ रहा है ये न्यू ईयर आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आपके इस रिश्ते के लिए। सो स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस इस रीडिंग को, पूरा देखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए ओम नमः शिवाय, थैंक टू यूनिवर्स एंड पॉजिटिव होकर देखिए इस रीडिंग को एंड कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पर्सन का नेम ज़रूर से लिखें ताकि आपकी एनर्जीज मेरे टैरो कार्ड से जो है कनेक्ट हो सके। तो देख लेती हूँ मैं गाइस, आप किसी भी साइन के हैं, ऑल साइन रीडिंग है या जनरल बेसिस की रीडिंग है, कि जिन किसी के बारे में इस टाइम पर आप सोच रहे हैं उनके रिलेशन, आप दोनों के जो रिलेशन है उसकी क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली है इस न्यू ईयर में, यानी कि न्यू ईयर आप दोनों के रिलेशन के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। एनर्जीज को मैं पूरा लेने की कोशिश करूंगी एंड देन आपके साथ में शेयर करूंगी गाइस। ये न्यू ईयर क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ एनर्जीज आने वाली है। ओके सो नाइट ऑफ सोर्स, इस टाइम पर तो मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है गाइस, सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन की एनर्जी, यानी कि सन के कार्ड के साथ में मेरे पास में नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से जो मुझे बता रही कि इस टाइम पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए जैसे ऐसे एक डिसीजन, ऐसी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये पर्सन बिल्कुल आपके लिए से कोई डिसीजन लेने के लिए तो तैयार है, या फिर इस ईयर में इन पर्सन को कोई नहीं रोक पाएगा आपके लिए कोई एक डिसीजन लेने से, और कोई ऐसा डिसीजन जिसमें आप और आपके पर्सन के लिए एक स्टेबल मुझे नज़र आ रही है, एक स्टेबल फ्यूचर नज़र आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है कि इस ईयर में ये पर्सन आपके साथ में मैरिज की एनर्जीज में आ सकते हैं, आपके साथ में मैरिज कर सकते हैं या फिर आपके लिए मैरिज का जो है प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज के लिए यहाँ पर फोर ऑफ कप्स जजमेंट की एनर्जीज, यानी कि ये जो ईयर है ना बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस वाला ईयर रहने वाला है आपके रिलेशन की। अगर आपके रिलेशन में कोई ऐसी एनर्जी थी, अगर अपने पर्सन के साथ में आप नो कांटेक्ट में थे और आप उनका वेट कर रहे थे कि कब इस नो कांटेक्ट को अनब्लॉक करेंगे या फिर कब इस नो कांटेक्ट से वो है बाहर आएंगे, और आपने अपने पर्सन के साथ में जैसे अगर कोई प्रॉमिस किया था, इन पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट दिया था और उसको पूरा नहीं किया, पूरा करने से पहले ही अगर आपके रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंसेज आ गए, तो इस ईयर में ये पर्सन उस कमिटमेंट को पूरा कर कर रहेंगे। इतनी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस चीज़ को ये पर्सन पूरा करके रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग एनर्जी है इस टाइम पर इन पर्सन की कि इस ईयर में ये कुछ जैसे आपको देने वाले हैं, कुछ देना चाहते हैं, या फिर आप इनसे कुछ रिसीव करोगे, कोई प्रपोजल या फिर मैरिज, या फिर अगर आप इनका साथ चाहते थे या कोई हेल्प चाहते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन आपको इस ईयर में हेल्प करना चाहते हैं, या फिर आपकी बातों को समझेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, आपकी कदर बहुत ज़्यादा इस वीक में, इस ईयर में ही करने वाले, यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपकी कदर बहुत ज़्यादा करेंगे, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ में, तो अगर आपके पर्सन ने पिछले कुछ टाइम में आपकी कदर नहीं करी थी, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा था, आपसे ज़्यादा किसी तीसरे व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे दी थी, तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को ये पर्सन महसूस कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब ये डर है इन पर्सन के मन में इस ईयर में। मैं देख रही हूँ कि अब दोबारा से कहीं इन चीज़ों को ये पर्सन ना महसूस करें, नहीं चाहते ये पर्सन दोबारा से उस टाइम को देखना जब आप इनसे दूर चले गए थे या फिर ये आपसे दूर चले गए थे, दोनों तरफ अगर नाराज़गी थी और चाहकर भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में नहीं शेयर कर पा रहे थे। तो इस ईयर में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक फियर में मुझे नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं इस ईयर में और कुछ भी नहीं चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा हाईली पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर निकल कर आप सभी के लिए रीयूनियन की भी नज़र आ रही है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा लंबे समय से इन पर्सन का अगर आप वेट कर रहे थे, तो कोई न्यू आई एम सॉरी कोई रियूनियन की एनर्जीज जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो फ्यू मोर कार्ड्स मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एंड पेशेंस, ब्रेक थ्रू, सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, यानी कि इस ईयर में अपने पर्सन के साथ में आप कोई ऐसा मोमेंट देखेंगे, कोई ऐसा मोमेंट जिएंगे जिसमें आपने अगर बहुत लंबे समय से पेशेंस रखा है। देखिए गाइस यहाँ पर थ्री कार्ड्स जो है एक साथ आए और बहुत ही एक ब्यूटीफुल मीनिंग को यहाँ पर निकाल रहे हैं कि अगर आपने बहुत लंबा समय पेशेंस रखा है अपने इन पर्सन के लिए, कि भले ही पर्सन आपसे गुस्सा हो गए हो या फिर आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई हो, अग्रेसिव एनर्जी हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, बट आपने पर्सन का साथ नहीं छोड़ा, आपने होप नहीं छोड़ी, आपने इन पर्सन का इंतजार किया, तो इस ईयर ये पर्सन सब कुछ छोड़कर
जो है आपकी लाइफ में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारा पेशेंस जो है आपका, जो इंतज़ार है वो मुझे अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और डायरेक्टली यहाँ पर रेड सेलिब्रेशन की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल एक सेलिब्रेशन बता रही हैं, एक न्यू बिगनिंग बता रही हैं आपके रिलेशन के लिए। साथ में कोई न्यू पर्सन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर अपने रिलेशन में आप कोई न्यू, अपनी लाइफ में अगर आप कोई न्यू पर्सन चाहते हैं, किसी न्यू पर्सन का जो है वेट कर रहे हैं, तो कोई न्यू पर्सन भी है जो मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जीज़ को मैं लेने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि आखिर कौन हो सकते हैं वो पर्सन। सो अगेन से इंटेंसिटी की कार्ड की एनर्जी, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर उनकी मेच्योरिटी की एनर्जीज आ रही है, कि कोई भी ऐसे पर्सन जो बहुत लंबे समय से जैसे आपका इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी राह देख रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, शायद आप जानते भी नहीं कि वो आपका वेट कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसे कोई पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कौन हो सकते हैं वो पर्सन एंड उनके नेम, उनके जॉडिक साइन की एनर्जी को मैं लेने की कोशिश करूंगी कि आखिर कौन हो सकते हैं वो पर्सन। सो मून के गार्ड की एनर्जीज, यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है, सूट्स की एनर्जीज, फोर ऑफ वैंस एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी निकल कर आ रही है, एरीज हो सकते हैं वो पर्सन, कोई सजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, उनकी एनर्जी मुझे ऐसे आ रही है। लियो की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, एंड यहाँ पर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, कि वाटर साइन हो सकते हैं वो पर्सन। एयर साइन की एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है, वर्गो अगर साइन हो सकते हैं जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर पास्ट के पर्सन की एनर्जीज़ को मैं देखूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज़ है, एक्वेरियस की एनर्जीज़ है, कि पास्ट से अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं तो वो इस साइन के हो सकते हैं। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, कि ऐसे साइन के जो है आपके पर्सन अगर है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एनर्जी हाईली मुझे मिल रही है, कि आपकी लाइफ में वो पर्सन इस ईयर जो है कम बैक हो सकते हैं। सो गाइज, आई होप के साथ में जो रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।